आज मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, जिनकी भी हाइट कम है। बस मैं जो सावधानियाँ बताऊँ उन सावधानियों को आपने ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये मेरे हाथ में है चूना। जो पान वाले के पास चूना होता है, जो पान में चूना लगाता है, वो यही चूना है और आपको पान की दुकान से ही लेना है। और जब लेकर आएँ 10 रुपये का चूना आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ये सूखना नहीं चाहिए, गीला ही रहना चाहिए। देखिए, हम लोग भी यूज़ करते हैं तो हमने एयर टाइट कंटेनर में ही रखा हुआ है इसको। तो अलग अलग तरह से चूना यूज़ किया जाता है, हर बीमारी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए है, तो हाइट बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चूने की और केले की। चूना कितना लेना है, चूने की पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, केवल गेहूं के दाने के बराबर। इससे ज़्यादा चूना आपने नहीं लेना है, ज़्यादा लेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूँ के दाने के बराबर ही लेना है। थोड़ा सा पानी लेना है और इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, यानी इसको अच्छी तरह से घोल लेना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसका जो सेवन है केले का, वो बताऊंगी कैसे करना है, तो वीडियो को स्किप मत करना, आधी अधूरी जानकारी से आपको नुकसान हो सकता है। तो केले को देखिए हमने छील लिया। अब केले के हम बीच में से 2 पार्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमने इसमें चूना घोला था चम्मच के अंदर गेहूं के दाने के बराबर, उस चूने को हमने एक केले में 1 पार्ट में लगा देना है। इस तरह से उंगली से लगा देना, चम्मच में लेके, या किसी भी तरह से आप इसमें फैला देना, पूरे केले में फैला देना इसको, चूने को अच्छी तरह से। और फिर इस तरह से कवर करके ये केला आपने खाना है सुबह खाली पेट। तो जिन भी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर कैल्शियम की कमी है किसी भी कारण से, तो ये हाइट बढ़ाने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। चूने को अलग अलग तरह से खाया जाता है, पानी में भी खाया जाता है, दही में भी खाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दाल में खाया जाता है, और दाल में जो हम उसमें सोयाबीन की दाल में खाया जाता है। तो क्यों खाते हैं सोयाबीन की दाल में, तो वो उसके अलग अलग रीज़न है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों में मिलाकर ही खाया जाता है, अलग अलग यानी बीमारियों के लिए अलग अलग चीज़ों में मिलाया जाता है। तो दही के साथ खाया जाता है, जैसे हमारी हड्डियां वगैरह कमज़ोर होती हैं तो उसके लिए हम लोग दही से खाते हैं, पानी में खाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरह से खाया जाता है। तो आगे वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।